वडोदरा जेतलपुर हरिजनवास में छेल्ला बे वर्ष दूषित पानी की समस्या है। आ समस्या अंगे अनेक वक्त रजूआत कराई है, कोई कामगिरी नहीं थती। हरिजनवास में अति गंदु पानी पीवाना कारण एक 20 वर्ष की युवती उन्नति मृत्यु निपजू है, जैसे तेना पिता हॉस्पिटल में हजू सारवा हेठ है। उन्नति मृत्यु निपजता समग्र विस्तार में लोग में भारी रोष पर है। युवती मृत्यु पछी मेयर के रोकड़िया हरिजनवास में मृतक परिवार की मुलाकात लीधी, जेमा लोकोए वर्षो जूनी पानी की लाइन होवाथी दूषित पानी आवतो होवानी फरियाद करी छे, तो मेयरे नवी लाइन नाखवानुं आश्वासन पण आप्युं छे। अमारी पासे काले रात्रे आ घटना बनी एवं ध्यान में आयु छे, अने एमां पण झाड़ा उल्टीना केस आ युवती ने सीवियर प्रमाण में हता एवं ध्यान में आव्युं हतुं, त्यारे आजे सवारे अमारी आरोग्य विभाग की टीम एना तमाम आजूबाजूना घरों ए जे विस्तार छे एमां डोर टू डोर जईने कोई ने बीजा ने आवी कोई असर थई छे के नहीं, झाड़ा उल्टीना सीवियर के गंभीर बीमारी थई छे के नहीं आनी तपास करी रही छे। अमारी पासे जे ऊपर छल्लो रिपोर्ट हाल में मळी रह्यो छे ए मुजब बीजा कोईपण घरनी अंदर आवी सीवियर बीमारी ध्यान में आवी नथी, कोई ने हॉस्पिटलाइजेशन करवू पड्यू होय एवी घटना ध्यान में आवी नथी, त्यारे अमे अमारी पाणी विभागनी टीम ने पण तपासार्थे मोकली छे, पाणीना नमूना लेवड़ाईए छे अने आ विस्तारनी लाइन वर्षो जूनी जर्जरित लाइन छे एवुं पण ध्यानमां अमने त्यांना रहीशोए मोकल्युं छे, त्यारे आवतीकालथी त्यां विस्तारनी अंदर लाइन बदलवानी प्रक्रिया पण अमे चालू करी देवामां आवशे। खूब दुःखनी वात छे, 20 वर्षनी आशास्पद युवती उन्नतिबेन सोलંકીનું આજે કોલેરાથી મૃત્યુ થયું છે। परिवारजनों खूब शोक में था, परिवार ने मुलाकात लीधी, विस्तार में पारावार गंदगी, स्थानिकों आजूबाजू तमाम घर में एक के बे जन पाणीजन्य रोगों से पीड़ाता था, अने त्यां जे पाणी आवे छे एनी बाजू में उभू न रहेवा एटली गंदी वास मारतु पाणी, लिटरली ड्रेनेजनु पाणी त्यां आवे छे। स्थानिकों कहेवुं एवुं हतुं के छेल्ला दोढेक वर्षथी आज रीतनुं पाणी आवे छे, अनेकवार रजूआतो करी छे, आंदोलन कर्या छे, તેમ છતાં અહીંયા કોઈ સાંભળતું નથી ને કોઈ જોવા બી નથી આવતું, ચાર કાઉન્સિલર્સમાંથી બી કોઈ નથી આવતું। દુઃખની વાત તો એ છે કે મેયર ત્યાંથી 500 જ મીટર દૂર રહે છે, મેયરનો પોતાનો ઇલેક્શન વોર્ડ છે, રોજ એ રસ્તાથી કદાચ જેતલપુર નાળા પાસેથી ગુજરતા હશે, ત્યાં પારાવાર ગંદકી છે, એન્ટ્રન્સની પાસે બી ઊભું રહેવાય એવી પરિસ્થિતિ નથી, તમે માસ્ક બાંધવો પડે કમ્પલસરી, ત્યાં એ રીતની પરિસ્થિતિ છે, ત્યારે આટલા વર્ષોથી આ કામ કેમ નથી થયું।